जिसे डेवलप किया है डीआरडीओ फैसिलिटी ने अब ये जो क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये रैंडम क्वांटम इवेंट्स को डिटेक्ट कर सकता है एंड फिर उनको एक्सट्रीम ऑफ बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकता है इसे डेवलप किया है डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज जिसका शॉर्ट फॉर्म ये रहा एंड ये जो है ये एक डीआरडीओ फैसिलिटी है जो कि मुंबई बेस्ड है अब रैंडम नंबर्स के बहुत असेंशियल रोल्स होते हैं कई सारी फील्ड्स में जैसे कि क्वांटम कम्युनिकेशन क्रिप्टोग्राफी साइंटिफिक एक्सिमुलेशन लॉटरीज फंडामेंटल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स एक्सेट्रा एक्स्ट्रा फ्यू पॉइंट्स लाइक डी की इस फैसिलिटी ने फाइबर ऑप्टिक ब्रांच पाथ को डेवलप किया है जो कि बेस्ड है क्यू पर एंड ये जो ब्रांच पाथ बेस्ड क्यू आर एन जी है ये इस प्रिंसिपल पर रिलाई करता है कि अगर एक सिंगल फोटोन एक बैलेंड बीम स्प्लिटर पर गिरेगा तो फिर वो रैंडमली कोई सा भी बीम स्प्लिटर का आउटपुट पाथ को चूज कर लेगा अब देखते हैं क्यू के डी को जिसका फुल फॉर्म है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन ये प्राइमरली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सिक्योर कम्युनिकेशन होता है सो इट इन्वॉल्व क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स जिसमें होते हैं वेरियस कंपोनेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स अब देखते हैं डी यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सो so, ये जो क्वांटम टेक्नोलॉजीज के लिए जो फैसिलिटी है ये डी की पांच फैसिलिटीज़ में से एक है जो डिफरेंट फाइव टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहा है तो आइए देखते हैं बाकी चार के बारे में तो बाकी में है डी वाई एस एल ए आई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बेंगलुरु में है देन सी टी कॉग्नेटिव टेक्नोलॉजी जो कि चेन्नई में है ए सीमेट्रिक टेक्नोलॉजीज जो कि कोलकाता में है एंड एस एम स्टैंड फॉर स्मार्ट मटेरियल

कि ये उससे एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का सेटअप करें ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम ये जो ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम है ये आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा एक बड़ा कदम है जो कि फोकस करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द डोमेन ऑफ ऑटोनॉमस नेविगेशन एंड एक्विजिशन सिस्टम आ नेक्स्ट आर्टिकल इज कि यूरोपियन यूनियन ने प्लास्टिक वेस्ट का जो एक्सपोर्ट होता है पुअर नेशंस को उस पर एकदम बैन लगा दिया है अब ये न्यू रूल्स के अंडर में जो ट्रैश इंपोर्टर्स हैं एक्सपोर्टर्स हैं इन सबको साथ में अग्री होना पड़ेगा कि वो ये शिपमेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे एंड ये जो न्यू रूल्स है यूरोपियन यूनियन के ये अनसॉर्टेड प्लास्टिक वेस्ट के या हजारडियस प्लास्टिक वेस्ट के एक्सपोर्ट पर कंप्लीटली एकदम बैन लगा देंगे कि आप इसे एक्सपोर्ट नहीं कर सकते लेस इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस को पुअर नेशंस को आउटसाइड दी ओईसीडी

अब ये जो यूरोपियन यूनियन का मूव है इसने चाइना के 2018 वाले बैन ऑन प्लास्टिक इंपोर्ट्स वाले मूव को ही फॉलो किया है जिसमें कि जो भी बाकी कंट्रीज से वेस्ट आता है एशियन कंट्रीज़ में जैसे कि मलेशिया वगैरह में और वहाँ पर डम कर दिया जाता है ओशन वाटर्स में उन सब पर बैन लगाया था एंड इवन थर्टी सेवन नेशन्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ओ इसके अंदर भी अगर किसी यूरोपियन यूनियन को uh, हज़ारियर प्लास्टिक वेस्ट को या फिर जिसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है वैसे वेस्ट को एक्सपोर्ट करता है तो उसके लिए भी बहुत प्रियोर अथोरइजेशन चाहिए फ्राम बोल द पार्टी मतलब जो भेज रहा है एंड जो रिसीव कर रहा है एंड अभी तक के डेटा को देखें तो लगभग 6.3 बिलियन टन्स की प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट कर चुके हैं हम 1950 से जिसमें से सिर्फ 12 परसेंट को ही हमने इंसनरेट किया है इंसनरेट मतलब जलाकर किसी चीज़ को एकदम ख़त्म कर देना एंड 10 परसेंट से भी कम को हमने रिसाइकल किया है एंड बाकी का जो 80 परसेंट है या तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जैसे कि हमने अभी देखा था ओशन वे वाटर्स में या फिर उसको लैंडफिल कर दिया गया है अब लास्ट ईयर का ही डेटा देख लो यूरोपियन यूनियन ने 1.5 मिलियन टन्स के प्लास्टिक वेस्ट को एक्सपोर्ट किया था मोस्टली टू टर्की एंड बाकी एशियन कंट्रीज में जैसे कि मलेशिया एंड इंडोनेशिया आइए देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बीजल कन्वेंशन के बारे में ये बीजल कन्वेंशन दरअसल एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि रिलेटेड है ट्रांसबाउंड्री ट्रांसफर ऑफ हजार वेस्ट मतलब इसका जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है कंट्रीज के बीच में एंड उनके डिस्पोजल से रिलेटेड है इस ट्रीटी को प्रिपेयर एंड साइन किया गया था ट्वेंटी सेकेंड मार्च नाइनटीन फोर्टी नाइन को एंड ये इफेक्ट में आई थी फाइव मे नाइनटीन सिक्सटी टू से आ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू फास्टैग जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं सो so, फास्टैग को अब मैंडेटरी कर दिया गया है सभी व्हीकल्स के लिए इससे ये फ़ायदा है कि कंप्यूटर्स को किसी टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा एंड वो कैश पेमेंट करने से बच जाएंगे एंड इससे टाइम एंड फ्यूल दोनों बचेंगे बच अब फास्टैग होता क्या है? ये एक इलेक्ट क्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है इंडिया का जिसको ऑपरेट करता है एन एच ए आई एंड ये यूज करता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी एंड ये जो फास्टैग है बहुत ईजीली अवेलेबल है ओवर थर्टी थाउजेंड पॉइंट्स ऑफ सेल अक्रॉस द कंट्री एंड ये मैंडेटरी है बाय एन एच ए आई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारे जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी उनने ये कहा था कि सारे व्हीकल्स में फास्टैग मैंडेटरी हो जाएगा एक जनवरी से लेकिन गवर्नमेंट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एंड हंड्रेड परसेंट पेमेंट फास्टैग के थ्रू करने के लिए फिफ्टींथ फेब्रवरी ट्वेंटी तक का समय दिया है नेक्स्ट आर्टिकल इज कि डीआरडीओ एंड इंडियन नेवी ने पहला टेस्ट ट्रायल किया सहायक एनजी का एंड वो सक्सेसफुल रहा अब देखते हैं ये सहायक एनजी है क्या ये इंडिया का पहला इंडिजिनियसली डिजाइन एंड डेवलप्ड एयर ड्रॉप कंटेनर है अब इस एयर ड्रॉप कंटेनर से होगा क्या कि इसमें आप अपने बैगेज प्लेस करके रख के इसे किसी भी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर की मदद से एयर ड्रॉप कर सकते हो मतलब कि आप आपको की आपको गुड्स की डिलीवरी के लिए हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को लैंड कराने की जरूरत नहीं है एंड ये जो ट्राइल हुई थी इट वॉज कंडक्टेड एट आई एल थर्टी एट एस टी एयरक्राफ्ट में है. And ये जो प्रोसेसिंग प्लांट है, कहा जा रहा है कि ये ट्वेंटी ट्वेंटी के शुरुआत में ही फंक्शनल हो जाएगा अब ये इसलिए देखना है क्योंकि ये जो जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट है ये स्टेब्लिश तो 2004 में ही हो गया था लेकिन तब से अभी तक ये नॉन फंक्शनल ही था अब इस प्लांट में होगा क्या क्या ये सिर्फ जिंजर को भी प्रोसेस नहीं करेगा बट बहुत सारे उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी प्रिपेयर करेगा जैसे कि वैक्स जिंजर जिंजर पेस्ट जिंजर पाउडर जिंजर फ्लेक्स जिंजर ऑयल एक्सेट्रा फ्यू एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइक मेघालय का कैपिटल है शिलोंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है कॉनराड सांगमा एंड गवर्नर का नाम है सत्यपाल मलिक आ, नेक्स्ट आर्टिकल इज कि उड़ीसा सेवेंथ स्टेट बना है जो जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है अब ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स को कंप्लीट करने से होता क्या है इससे होता ये है कि इसको कंप्लीट करने वाले स्टेट्स एलिजिबल हो जाते हैं कि वो ओपन मार्केट से फंड मनी बोरो कर सकते हैं लैंड कर सकते हैं अब इस केस में अकॉर्डिंग टू फिनेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट के ये जो स्टेट है ये रुपीज वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन करोड़ के एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सिस को ओपन मार्केट से बोरो करने के लिए एलिजिबल है अब उड़ीसा सेवेंथ स्टेट बना है तो बाकी सिक्स स्टेट्स के नाम भी देख लेते हैं तो उनमें आते हैं आंध्र प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश राजस्थान तमिलनाडु तेलंगाना एंड उड़ीसा इज दी सेवेंथ लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे इज इंडिया टू ओपन मिशंस इन एस्टोनिया पराग्वे एंड डोमिनिक रिपब्लिक अब ये हम जो मिशन ओपन कर रहे हैं इससे होगा क्या इससे ये होगा कि इंडिया अपने डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स को एक्सपैंड कर पाएगी एंड जो दोनों कंट्रीज़ में बाकी कंट्रीज़ में जो पॉलिटिकल रिलेशन हैं वो और ज़्यादा गहरे होंगे साथ ही में हमें ग्रोथ मिलेगी बायलेटरल ट्रेड में मतलब द्विपक्षीय व्यापार में इन्वेस्टमेंट्स में एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट में भी हमें ग्रोथ मिलेगी अब ये जो मिशन ओपन करने का डिसीजन है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है सबका साथ सबका विकास की ओर जो कि कंट्री की नेशनल प्रायोरिटी है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब ये जो तीन कंट्रीज में हम मिशन ओपन करने वाले हैं उनके बारे में देख लेते हैं तो पहली है एस्टोनिया तो एस्टोनिया का कैपिटल है तेलिन ये एक यूरोपियन कंट्री है एंड प्रेसिडेंट का नाम है कर्स्टी कल्जुलाइथ नेक्स्ट कंट्री है पराग्वे सो so, ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका कैपिटल है असनशियान एंड इसके प्रेसिडेंट का नाम है मारियो एबडो बेनेटेस एंड जो थर्ड कंट्री है डोमिनिक रिपब्लिकन ये एक नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है जो कि है करेबियन आइलैंड पर एंड इसका कैपिटल है सेंटो डोमिंगो एंड प्रेसिडेंट का नाम है लुइस अबनी नादे सो so, आप देख रहे हो सब अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पर मिशन खोले जा रहे हैं तो इससे हमारे डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स एंड पॉलिटिकल रिलेशन कितने एक्सपैंड होंगे एंड डीपन होंगे सो आज के लिए सिर्फ इतना ही हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग